वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग? मैं अभी हूँ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मैं जाने वाला हूँ बाली, जो है इंडोनेशिया में। कनेक्टिंग फ्लाइट है मेरी यहाँ से। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ सिंगापुर, जो कि मेरी फ्लाइट है अभी 3-4 घंटे में। अभी कुछ 9:30 बजे है रात के और 1-1.5 बजे की फ़्लाइट है, मतलब 4-5 घंटे है। तो इस बार मैं अकेला नहीं जाने वाला हूँ, आपकी भाभी भी जाने वाली है मेरे साथ, यानी मेरी वाइफ। हनीमून ट्रिप बोल सकती हूँ इसको, क्योंकि लॉकडाउन में मेरी शादी हो गई थी। तो फ्लाई स्कूट करके एयरलाइन है मेरी, जो कि सिंगापुर एयरलाइन की सब्सिडी है और लो कॉस्ट एयरलाइन है। A320 एयरक्राफ्ट है उनका। और अभी देख पा रहा हूँ मैं, फ़्लाइट तो टाइम पे है, दिखा तो मैं आपको। यह है मेरी फ़्लाइट 1:35 पे, TR-575 सिंगापुर, ऑन टाइम है, अच्छा है। तो ये ट्रिप मैं सोलो ट्रैवल नहीं करने वाला हूँ। कीर्ति मेरे साथ है इस बार। कीर्ति आपकी भाभी है और मेरी वाइफ, हमारी लॉकडाउन में शादी हो गई थी और ये हमारी हनीमून ट्रिप ही समझ लो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम कहीं घूमने तो नहीं गए थे, आसपास चले गए थे मनाली वगैरह। तो कीर्ति के फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, मैं तो थाईलैंड जाके आया था 2019 में। तो कीर्ति एक्साइटेड हो ट्रिप के लिए? तो चेक इन काउंटर चालू हो गए, अभी चलते हैं, अभी चेक इन ओवर करते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। एयरपोर्ट काफ़ी मस्त है, ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं अभी ये एयरपोर्ट से। ये साइड पे लग रहा है, यहाँ पे करना पड़ेगा अपन चेकिंग, चलते हैं। लाइन वगैरह गर्दी तो नहीं दिख रही है। बोर्डिंग पास मिल गया है, अभी लगते हैं इमिग्रेशन के लाइन में। तो इमिग्रेशन हो चुका है, अभी वेटिंग एरिया में आ गया हूँ मैं। तो सिंगापुर में जो मेरा 7.5 घंटे का ले ओवर है, तो वहाँ पे मैंने एक फ्री सिंगापुर टूर करके एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते सिंगापुर एयरलाइन और जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है चंगी एयरपोर्ट, तो बुक किया मैंने। तो 2.5 घंटे में वो पूरा सिंगापुर घुमाते हैं, पूरा मतलब 2-3 स्पॉट कवर कर लेते हैं। तो जाने के बाद तो काउंटर पर जाना पड़ेगा मुझे फ्री सिंगापुर टूर वाले, फिर वहाँ से उनकी कुछ शटल बस वगैरह है, तो वहाँ से वो 2.5 घंटे कुछ 3-4 स्पॉट कवर करते हैं। अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कि वैसे भी 7-8 घंटे का ले ओवर है मेरा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फ्री सिंगापुर टूर फैसिलिटी आपको लेना होगा, तो आपके पास सिंगापुर का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर जाना पड़ता है सिंगापुर में, तो उसके लिए वीज़ा लगता है। मैंने वीज़ा लगवाया था मेरा और मेरी वाइफ का, कुछ वीज़ा कॉस्ट कुछ 25 रुपये लगे थे इंडियन करेंसी में। तो चलो बोला वीज़ा लगा के ही जाते हैं। और बाली का तो वीज़ा ऑन अराइवल है वैसे इंडियंस के लिए, लेकिन ई वीज़ा ऑन अराइवल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते इंडोनेशिया गवर्नमेंट, उनकी एक वेबसाइट है वहाँ पे। तो बस तुमको पेमेंट करना है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे पासपोर्ट और अपना फ़ोटो वगैरह, और आपको तुरंत ही 5 मिनट में आपकी ईमेल आईडी पे ई वीज़ा ऑन अराइवल आ जाएगा। फाइनली बोर्डिंग चालू हो गई है, चलते हैं अपने एयरक्राफ्ट के। कीर्ति मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अभी 1:30 बजने वाले, अंदर जाके मस्त सोने वाला हूँ, क्योंकि 5 घंटे लगने वाले हैं सिंगापुर पहुँचने के लिए। एक नींद मस्त हो जाएंगी, क्योंकि सुबह उठ के फिर घूमना भी है। E&F बरन से एक जिसमें लिया, अच्छा है। तो लो भाई, मिल हो चुके अभी सिंगापुर एयरपोर्ट। अभी वजह है सिंगापुर का टाइम 9:20, अभी मुझे जाना है। अभी मेरी फ्लाइट यहाँ पे लैंड हुई है टर्मिनल T1 पे, अभी जाना है मुझे टर्मिनल 3, जहाँ पे वो फ्री सिंगापुर टूर का बूथ है, और चलते हैं। अभी यहाँ से स्काई ट्रेन पकड़नी पड़ेगी टर्मिनल T1 से T2 T3, और देखो वो जा रही है मेरे पीछे। स्काई ट्रेन मतलब एक मेट्रो ही है अंदर एयरपोर्ट के अंदर। थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मिलेंगी अपने को स्काई ट्रेन
जो कि मेट्रो है इंटरनल टर्मिनल ट्रांसफ़र की, वो देखो वो जा रही है एक, अभी थोड़ी देर में आएंगी। सही है यार, एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, मस्त है, वो चलना पड़ता है यहाँ पे। तो फ्री सिंगापुर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो, उसकी लिंक है, नहीं तो सिंगापुर एयरलाइन की वेबसाइट के जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हो। बस आपको डेट वगैरह चूज़ करना है और पासपोर्ट नंबर वगैरह डालना है। अभी चलते हैं उस बूथ की तरफ, रजिस्टर कर लेते हैं, फिर फ्रेश होकर होके। और वो टूर है सिंगापुर टाइम 12 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक, क्योंकि 4:30 बजे हमारी बाली के लिए फ़्लाइट भी है, तो 2.5 घंटे का टूर है ये। अभी वेट करते हैं स्काई ट्रेन का आने के बाद। यहाँ पे पूरा मैप लगा है, ये देखो। अभी अपन T1 पे है, T1 पे हूँ मैं अभी, अपने को जाना है T3, ऐसे A9 पे जाना है। यहाँ पे वो बूथ लगा है उनका फ्री सिंगापुर टूर का। तो ये आ गई स्काई ट्रेन, करते इसके अंदर इंटर, चलते हैं भाई। सही लग रही है, छोटी सी है लेकिन अच्छी है, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, बेस्ट ही है ट्रैवल करने के लिए। ऐसा है यार स्काई ट्रेन मशीन, मस्त है। आगे अपन टर्मिनल 3, जो अपने को जाना है गेट नंबर A2 के पास, सॉरी A8 के पास। काफ़ी बड़ा और मस्त एयरपोर्ट है, देखो शॉप्स वगैरह पूरा मॉल ही लग रहा है अंदर का। मस्त एयरपोर्ट है यार, और लेकिन बहुत शांत है। सुबह के अभी 9:30 वगैरह बजे हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन वेल मैनेज्ड, मस्त है। अरे मस्त है यार, बहुत सही सजा है, मस्त है, पूरा मॉल का फीलिंग आ रहा है, पूरे शॉप्स वगैरह बहुत सही है। तो वहाँ पे ले गए फ्री सिंगापुर टू, वहाँ पे जाना है मेरे को ये साइड, बहुत चलना पड़ रहा है यार, बहुत दूर दूर तक है। यहाँ पे पूरी कॉफ़ी की शॉप्स है, ये देखो भाई बच्चा कॉफ़ी, कितना बड़ा स्टोर है, पूरा कॉफ़ी का स्टोर है। वो आप रे थोड़ी देर में आते हैं देखने के लिए, अभी तो चलते हैं सबसे पहले वो बूथ पे, रजिस्ट्रेशन कर लेते फिर घूम लेते। तो ये है वो भाई फ्री सिंगापुर टूर का बूथ, यहाँ पे मैंने अभी उनको मेरा बुकिंग आईडी वगैरह दिखाया, उन्होंने पासपोर्ट और वीज़ा मांगा था, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया मेरा। अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होता हूँ, घंटा है और अभी 10 बजे है सिंगापुर टाइम के हिसाब से, और उसको उन्होंने बोला है कि 11:10 को रिपोर्ट करना है। थोड़ा फ्रेश वगैरह होता हूँ फिर करता हूँ, जाता हूँ बुद्ध के पास, फिर वहाँ पर वो सबको लेके इमिग्रेशन करवाएंगे और फिर बस में बिठा के घुमाएंगे। टूर चालू होने वाला है, सभी लोग यहाँ पर गैदर हुए हैं, अभी ये हमको इमिग्रेशन वगैरह करवाएंगे, उसके बाद सिंगापुर में एंटर करेंगे, चलते हैं इनके साथ। ये चल रहे हैं अभी सब टूर फ्री टूर के साथ। ये था वो काउंटर, तो इमिग्रेशन हो गया अभी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इमिग्रेशन है, कुछ लगे डिवाइसेस वहाँ पे, बस आपको पासपोर्ट स्कैन करना है और आपका इमिग्रेशन टर्म। लेकिन पता नहीं हम दोनों का अभी पासपोर्ट वहाँ पे स्कैन ही नहीं हुए, हमको मैनुअल इमिग्रेशन करना पड़ा फिर, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ 10 मिनट अगर लिए। अभी बोला यहाँ पे ग्रुप में रुकने के लिए मैकनी के पास, यहाँ पे रुकते हैं फिर वो गाइड आएंगी, फिर बस में बिठा के हमको लेके जाएंगी घुमाने के लिए। घर से थोड़ा वेट करते, यहाँ पे हूँ मैं अभी, बहुत बड़ा है, बस लगी शायद दिख रही है मेरे को फ्री सिंगापुर टूर करके। तो यहाँ पे मैकनी में आया था मैं, तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेग भी बर्गर नहीं भाई, देखो पूरे नॉन वेज, सॉसेज, चिकन, एक भी वेज बर्गर या कुछ नहीं है। बोल रहे थे ये 18 में जाओ आपको वेज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरे एक है, एक बर्गर्स।
भाई मैकडी मैकडी में तो कहीं कुछ भी नहीं है। हम दोनों का पहला ही नंबर था। अभी चलते हैं बस की तरफ। अच्छी सीट देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, क्योंकि व्यू अच्छा आना चाहिए, फोटो अच्छे निकलनी चाहिए, वीडियो अच्छे निकलनी चाहिए। चलते हैं अभी बस की तरफ। ये है वो बस, बहुत ह्यूमिड है यार बाहर, अंदर मस्त है। फ्री सिंगापुर टूर। हमारा सबसे पहला स्टॉप विक्टोरिया थिएटर, ये रे पीछे। यहाँ पे बहुत मस्त मेंटेन किया यार, बहुत पॉश है, कहीं भी कचरा वगैरह बहुत कुछ भी नहीं लग दिखता यहाँ पे। ये वो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और विक्टोरिया थिएटर। आई कैन सी इट्स द डैम, वी कॉल इट Marina Barrage. Very easy to get to. There is an MR. ये वो famous building सिंगापुर की होटल है, ये कैनेडियन आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया है। ये है famous मरीना बे, उस साइड भी जाएंगे हम, वहाँ जहाँ पे मरलियान का जो स्टैचू है, वो सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, पूरे बैंकिंग है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप के लिए। पूरा वॉकिंग टूर ही लग रहा है ये पूरा सिंगापुर का, यहाँ से जाना है अभी नेक्स्ट स्टॉप पता नहीं कहाँ कौन सा है। तो काफ़ी बड़े वो जगह, क्योंकि मेन अट्रैक्शन है ये सिंगापुर का। यहाँ पे पूरे स्काईलाइन सिंगापुर की। ये वो भाई वो फेमस मरीना बे सिंगापुर का, और ये मेरे पीछे है ये मरलायन का स्टेचू, काफ़ी सुंदर है, मस्त बना है, पूरा मैनमेड है आइलैंड, लेकिन मस्त बना है। और वो है सिंगापुर आए, जैसे लंदन आए वैसे ही सिंगापुर आए भी बनाए उन्होंने। मरलिन आइकन। अभी हमारा नेक्स्ट और फाइनल स्टॉप है गार्डन बाय द वे, या यहाँ का सबसे फेमस क्या बोल सकते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत बड़ा है ये, पूरा ग्रीनरी है। टिकट्स भी है इसकी। मतलब ये जो स्पॉट है इसमें अलग अलग अट्रैक्शन है, उसके अलग अलग टिकट्स है। जैसे कुछ अवतार मूवी का कुछ सीन क्रिएट किया उसने उन्होंने, और एक फ्लोरल गार्डन वगैरह है, ऐसा कुछ अलग अलग मीडोज करके है। तो यहाँ पर मैप है देखो, बहुत बड़ा है, 107 एकड़ में फैला है पूरा। ये स्काई वॉक भी है, क्लाउड फॉरेस्ट करके है, बहुत सारे। आप टिकट्स ले सकते हो, शायद $10 या $15 की टिकट है। बहुत महंगा है यार ये सिंगापुर। बैगेज मतलब बैग स्टोर करने के चंगी एयरपोर्ट पे $10 लिए एक बैग के, तो दो बैग के $20। देखो ये है वो अवतार एक्सपीरियंस। यहाँ बहुत साइड फ्लावर डोम है, इधर ये रेस्टोरेंट्स वगैरह है, वो पीछे साइड में मैकडी वगैरह भी थे। तो काफ़ी अच्छा है टाइम स्पेंड करने के लिए। देखो यहाँ पे थोड़ा फाउंटेन वगैरह दिख रहा है, मस्त बना है ये क्लाउड फॉरेस्ट मैजिस्टर के नीचे है। देखो पूरा दिख रहा है वहाँ पे फाउंटेन, उसके अंदर ही एक सुवेनियर शॉप है, यहाँ पे आप मैग्नेट वगैरह ले सकते हो, या छोटे मोटे डायरी वगैरह टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पे। मैं देखता हूँ मेरे लिए एक मैग्नेट खरीदता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कुछ मैग्नेट्स खींचने की, अभी ये $4 का एक मैग्नेट है। तो ये लिया मैंने मैग्नेट, ये मुझे पड़ा है लगभग $6 का, ₹360 इंडियन करेंसी में। अभी चलते हैं अपनी बस की तरफ, टाइम हो गया है, 2 बज गए, यहाँ से निकलना पड़ेगा, और आधा घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, और अपनी 4:30 की फ्लाइट भी है, और टूर भी ख़त्म होने वाला है। ये लास्ट स्टॉप था, अच्छा था टूर, फ्री है तो मतलब
तीन चार पॉइंट उन्होंने कवर किए हैं, तो आप ले सकते हो। ढाई घंटे का टूर रहता है ये, बस प्री बुकिंग करके आना क्योंकि फुल रहता है ये, टाइम पे नहीं मिलेगा आपको। एयरपोर्ट फिर से चंगी एयरपोर्ट पर अभी बैगेज कलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी यहाँ पे डिपॉजिट किए थे मैंने। फिर बैगेज कलेक्ट करने के बाद जाना पड़ेगा T1 टर्मिनल, जहाँ से मेरी फ़्लाइट है बाली के लिए स्कूट एयरलाइन की, 4:30 बजे की। अभी 3 बजे, फटाफट से अभी बैगेज कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ फ्लाइट पकड़ने के लिए। यहाँ के अपन गेट के पास E27 अपना गेट है, तो करते चेक इन अंदर जाके, बोर्डिंग करते सॉरी। लाइन बड़ी लंबी लगी यार, भीड़ बहुत है। ये खड़ा है अपना बोइंग 787 स्कूट एयरलाइन का, ये अपना फ्लाइट बाली जाने के लिए। चलते हैं अभी फ्लाइट बोर्ड करने बाली की, 4:30 बज चुके हैं और ये फ्लाइट वाली को लगभग 2.5 घंटा लेती है पहुंचने के लिए, तो 7:30 पे पहुँच चुकी है। मिलते बाली। ये क्या अपनी, ये भाई सीट अपनी, पहुंच गए बाली एयरपोर्ट। और देखते हैं अभी ई वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर कहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ई वीज़ा ऑन अराइवल लिया है। ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है, चलते इमिग्रेशन की तरफ। यहाँ पे सिम वगैरह मिल रहा है और ऐसा कुछ दिखता है बाली का एयरपोर्ट। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए पेमेंट करने के लिए इस तरह जाना पड़ेगा। मैंने तो ई वीज़ा ऑन अराइवल लिया है, अपन चलते इस तरफ। होप सो यहाँ पे लाइन नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कुछ लाइन रहती है देखो पेमेंट के लिए। काउंटर्स बहुत सारे हैं, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देखो भाई वीज़ा लग गया है, ऐसा कुछ स्टिकर लगा है ई वीज़ा ऑन अराइवल का, 30 दिन के लिए, और एक्सटेंडेबल भी लिखा है। पासपोर्ट वैसे स्टिकर लगा दिया। अभी इमिग्रेशन तो हो गया है, वीज़ा ऑन अराइवल का स्टिकर भी लग गया है। अभी चलते हैं, कुछ कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना है, देखते कहाँ पर भरना है वो। तो फिर एक कैब बुक की है मैंने, तो कैब से चलते अपने होटल। कस्टम डिक्लेरेशन हो गया। अब अभी यहाँ पर देखो बाहर आते वक्त पूरे मनी एक्सचेंज की दुकान लगे, और यहाँ पे पूरे सिम कार्ड वगैरह लगे हर पीछे, टैक्सी वैक्सी। मैंने कैब तो ऑलरेडी बुक की है, अभी डायरेक्ट जाते हैं कैब लेते। सिम कार्ड तो बाहर से लूँगा, यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ता है। ये देखो टेलीकॉम सेल का है कि गेट सिम कार्ड एक्टिवेटेड इन 5 मिनट्स। देखो 18 GB 250 के इंडोनेशियन रुपये में दे रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे। देखो पूरे कैब वाले खड़े हैं अभी।